नमस्कार दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में ब्लॉक नवाबगंज अंतर्गत मुख्यालय बाबागंज में ग्राम रोजगार सेवकों ने ब्लॉक के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न व शोषण को लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर खंड विकास अधिकारी नवाबगंज को एक संबोधित ज्ञापन सहायक विकास अधिकारी ISB श्री एस के ओझा जी को सौंपा। संघ ब्लॉक अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि विकास खंड से निर्गत मस्टोल ग्राम रोजगार सेवकों को ना देकर बाहर के लोगों को दिया जाता है तथा डिमांड भी बाहर के लोग ही लगाते हैं तथा मनरेगा योजना के अंतर्गत होने वाले ग्राम पंचायतों के कार्य भी बाहर के लोगों से कराए जाते हैं तथा मनरेगा योजना के अंतर्गत मस्टोल व भुगतान पत्रावलियों पर ग्राम रोजगार सेवकों के फर्जी हस्ताक्षर कर भुगतान कर लिया जाता है। ब्लॉक कर्मचारियों पर ऐसा आरोप लगाते हुए उक्त प्रकरण का संज्ञान खंड विकास अधिकारी महोदय के संज्ञान में डाला। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संघ जिलाध्यक्ष श्री पंकज मिश्रा रहे तथा ब्लॉक अध्यक्ष राकेश शर्मा जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही अन्य कई ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं, जनपद बहराइच जो भी ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर समस्याएं आती हैं वो ग्राम पंचायत पर ही समस्या निपटाने में अव्वल नंबर पर रहता है। वर्तमान जिलाध्यक्ष श्री पंकज मिश्रा जी द्वारा ग्राम पंचायतों पर जमीनी स्तर पर ग्राम रोजगार सेवकों से तालमेल बनाए रखते हैं। जो भी समस्याएं जिन विकास खंडों पर लगती हैं वहाँ पर आवश्यकतानुसार धरना प्रदर्शन या खंड विकास अधिकारी स्तर से वार्ता करके ग्राम पंचायत स्तर पर समस्याओं का निदान कराने में तत्पर रहते हैं। दोस्तों, जनपद बहराइच एवं जनपद बहराइच के जिलाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री पंकज शुक्ला जी एक मिसाल हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम रोजगार सेवकों के लिए, जिन्होंने जमीनी स्तर पर रहकर इतने अच्छे कार्य किए जिसके बदौलत जनपद बहराइच में ग्राम रोजगार सेवकों को जमीनी स्तर पर कोई दिक्कतें नहीं आती हैं और ये संगठन के लिए भी मिसाल हैं। ऐसे ही संगठन चलाना चाहिए तभी ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याएं जमीनी स्तर पर उत्पन्न नहीं होंगी। पहले भी बकाया मानदेय समेत अन्य कई मांगों के लिए जनपद बहराइच में आंदोलन हो चुका है। उम्मीद करता हूं भविष्य में ऐसे किसी भी आंदोलन की ज़रूरत ना रहे, वार्ता से सारे काम हो जाएँ। अगर आवश्यकता पड़ती भी है तो जनपद बहराइच कभी पीछे हटने वाला नहीं है। और साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूँ जनपद बहराइच के समस्त ग्राम रोजगार सेवकों को जो पंकज भाई के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनके संघर्ष में साथ देते हैं। जय हिंद, जय भारत।